अमित शाह की आज युवा हुंकार रैली की, जहां करीब करीब 1 लाख से भी ज्यादा बाइकर्स के पहुंचने का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि करीब 10 से 12 एकड़ में इस रैली स्थल को बनाया गया है। रैली स्थल जो फैला है 10 से 12 एकड़ में ये फैलाया गया है और 28 सेक्टर में बांटा गया है इस सभा स्थल को। 25 ड्रोन से निगरानी की जाएगी इस रैली स्थल की। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जींद, जहां हमारे सहयोगी कमल वधावन और गुलशन ग्रोवर मौजूद है। रामविलास शर्मा भी वहां पहुंच चुके हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं जींद में। भावना जताई जा रही थी कि 1 लाख लोग यहां पर आएंगे, लेकिन अभी समय 12 बजे है। अभी 12 बजे का जो है रैली का कार्यक्रम जो है 12:30 बजे का है। रामविलास शर्मा जी यहाँ मौजूद है। सर, आज अमित शाह की रैली है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज हम एक इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। मैं महेंद्रगढ़ से 210 किलोमीटर जींद है और हम सुबह से चल करके 1851 मोटरसाइकिल सवार हम जींद रैली स्थल पर पहुंच गए हैं। हमने एक इतिहास का निर्माण, वी आर प्राउड ऑफ बीजेपी वर्कर्स, और हम आज अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जोरदार अभिनंदन जींद के ऊपर करेंगे। सर, 2019 की तैयारियां मान के चलो, बिल्कुल आप कुछ भी मान लीजिए, ये 2022 की भी तैयारी है, ये 2019 की भी तैयारी है। देखिए, बिल्कुल ये थे रामविलास शर्मा, जो कि आप देख सकते हैं खुद जो है बाइक से यहाँ पर जो है अपने काफिले के साथ आए हैं और खुद ये बोल दिया है कि इस समय जो है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि चाहे बेशक 2019 का ये विधानसभा या लोकसभा का चुनाव समझ लीजिए, आप देख सकते हैं खुद जो है यहाँ पर रामविलास शर्मा बाइक से आए हैं। तो आपको बता दें अभी हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने बात की रामविलास शर्मा से, जो खुद बाइक पर आए हैं अपने काफिले के साथ। उन्होंने बताया कि उनके काफिले में 1891 बाइक्स मौजूद हैं और अनिल विज जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, खेल मंत्री, मंत्रालय भी उनके पास है, वो भी सुबह निकल चुके हैं और किसी भी समय वहां पहुंचने वाले होंगे रैली स्थल पर। काफिले के साथ निकले हैं बाइक्स के, तो लोगों का आना, नेताओं का आना, मंत्रियों का आना लगातार जारी है और अब सबकी निगाहें हैं उस घड़ी की जब खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जींद की धरती पर पहुंचेंगे और इस ऐतिहासिक, जो कि बीजेपी की तरफ से बताई जा रही है ऐतिहासिक रैली, उसको संबोधित करेंगे और बाइक रैली निकाली जाएगी। चलिए सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी कमल वधावन के पास, जो कि रैली स्थल के अंदर मौजूद हैं। कमल, कितनी तादाद में जो लोग हैं फिलहाल रैली स्थल के अंदर आ चुके हैं? मासूम शर्मा जी से जो उसको चलाए साउंड के जो मेरे भाई आपके पास। देखिए, संख्या की बात की जाए तो संख्या काफी जो है वो अभी यहाँ काफी तादाद में जो है कार्यकर्ता वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। काफी जो बैरिकेड किए गए थे रास्ते के अंदर, जो सुरक्षा के प्रबंध यहाँ जो दिखाई दिए थे, तो उसके बावजूद जब रैली स्थल में जो युवा पहुंचे हैं उसकी तादाद काफी ज्यादा है। अभी 28 सेक्टर में ये जो पंडाल है बांटा गया था, हालांकि 28 के अंदर कुछ पंडाल अभी खाली पड़े हैं। अभी भारी तादाद में जो दूर दराज के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी कुछ ही देर बाद इस पंडाल के अंदर पहुंचेंगे। हालांकि जिस प्रकार से जो दावा यहां किया जा रहा था कि करीब 1 लाख से ज्यादा की जो भीड़ है वो जुटा ली जाएगी, करीब करीब 12:20 का यहां समय हो चुका है, लेकिन 12:20 पर अगर पंडाल की ओर एक नजर दौड़ाई जाए तो ऐसा लग नहीं रहा फिलहाल कि इतनी बड़ी तादाद में यहां जो युवा कार्यकर्ता है वो पहुंच पाएंगे। हालांकि मंच का नजारा भी आपको दिखा देते हैं, तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ आना शुरू हो चुका है। आप मंच पर देख सकते हैं कैप्टन अभिमन्यु। यहाँ मंच बनाए गए हैं, कितने मंच यहाँ बनाए गए हैं रैली स्थल में। इसके अलावा देखिए, अगर मंच की बात की जाए तो एक प्रमुख मंच है जो आप अपने कैमरा मैन को कहूंगा वो दिखाएगा मंच। ये प्रमुख मंच है जहां अमित शाह बैठेंगे, मुख्यमंत्री बैठेंगे, उसके साथ जो मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहां बैठेंगे, उनका यहां स्थान निश्चित किया गया है। इसके साथ ही बिल्कुल आप देखेंगे दूसरी ओर बगल में ही एक मंच और बनाया गया है, विशाल मंच है वो भी। उसके मंच पर जो स्थान निर्धारित किया गया है वो तमाम जो विधायक हैं, जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको वहां स्थान दिया गया है। इसके अलावा तीसरा एक जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है
वो जो मंच बनाया गया है वो रंगारंग प्रस्तुति के लिए दिया गया है, जो सरकार के गुणगान जो जहां से किया जा रहा है वहां से मंच के माध्यम से वो एक मंच यहां तैयार किया जा रहा है। फिलहाल जिस प्रकार से अभी आप देख सकते हैं मंच पर नेताओं का आना शुरू हो चुका है, 12:30 के करीब का समय था, तो अभी थोड़ी ही देर में चंद मिनटों में ये कहा जा सकता है कि 5 से 10 मिनटों के बीच में अमित शाह जो है वो रैली स्थल के आसपास जो उसका जो है लैंड हेलीकॉप्टर वो कर जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मंच का है, मंच पर जो कुछ सीनियर लोग थे, सीनियर नेता थे, वो यहां से अभी गए हैं। और जी बिल्कुल कमल, हमने देखा आपके आपके नजरिए से हमने देखा किस तरह का माहौल वहां है, पंडाल सजाए गए हैं। अभी रुक करेंगे गुलशन ग्रोवर का। गुलशन, रामविलास शर्मा से आपने बातचीत की, रामविलास शर्मा ने कहा कि मैं बाइक पर आया हूं, लेकिन सवाल यह है रामविलास शर्मा ने हेलमेट नहीं पहना था। देखिए बिल्कुल, महेंद्रगढ़ से जो कि वो रामविलास शर्मा जो है बाइक से जींद आए हैं, हालांकि वो दूसरी सीट पर बैठे थे क्योंकि पहली सीट पर जो बैठे हुए थे उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, दूसरी सीट पर उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी। जी। और आज उन्होंने युवा हुंकार रैली का संदेश भी दिया है कि 2019 और विधानसभा और लोकसभा चुनाव का जो आगाज इसी रैली से होगा, और अभी तक भी लोगों का जो है यहाँ पर आना जो है लगभग जारी है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी स्टेज पर नहीं आए हैं अभी, और क्योंकि पुलिस लाइन का कहा जा रहा है कि वो पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से पहुंच चुके हैं, जिस हेलीकॉप्टर का हम आपको बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर रैली स्थल का जायजा ले रहा है, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, और वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो हेलीकॉप्टर है वो सीधा जो है पुलिस लाइन जो कि जींद की जो पुलिस लाइन है वो वहां पर उतरा है, और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से और रैली तक जो कि बाइक पर आएंगे, अभी कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री वहां से निकलेंगे और बाइक का दौरा कर जो है रैली स्थल पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुलशन ग्रोवर, और साथ ही हमारे सहयोगी कमल वधावन का भी धन्यवाद। आपको बता दें कि कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रैली स्थल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि 1 लाख से ज्यादा बाइकर्स के पहुंचने का दावा है, लेकिन कुछ बड़े चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने खुद आज हेलमेट नहीं पहना, क्या सामाजिक संदेश यहां जाएगा लोगों में, ये आप भी समझ सकते हैं। पल पल की खबर हम आपको देंगे जींद में भरी जाने वाली हुंकार रैली की, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।